बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला उसे संभालिए। नमस्कार, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 12 का एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। कुल मिलाकर के 8-9 डिवाइसेस आपको मिलेंगे जिसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में इसको MCG भी बोलते हैं, और ये डिवाइस जो है स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सेंसिटिव है। इस डिवाइस को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद आप वोल्टमीटर और एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस सबसे पहले केल्विन ने डिवाइस किया था, और उसके बाद साइंटिस्ट डी आर्सनेबल ने इसको मॉडिफाई किया, और इसलिए इस डिवाइस का नाम अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी है। ओके, तो सबसे पहले इस डिवाइस की प्रिंसिपल की बात करें। इस डिवाइस का जो प्रिंसिपल है वो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क के संबंध में कोई अगर डाउट है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें टॉर्क का काफ़ी डिस्कशन है। तो जब प्रिंसिपल की बात किए इस डिवाइस का, तो प्रिंसिपल में टॉर्क और टॉर्क कितना INAB इंटू साइन थीटा, जहाँ पर सभी क्वांटिटी अपने नोटेशन से पहचान लिए जाएंगे। आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आप देखिए इसके कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा सा कुछ ऐसा है, सिलेंड्रिकल पोल पीसेस होते हैं, और सिलेंड्रिकल पोल पीसेस के बीच सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर की ऐसी वाइंडिंग की जाती है, वायर ऐसा रैप किया जाता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर लूप बन जाए। तो कुछ ऐसा आपको टॉप व्यू से दिखेगा ये आपको। ओके, वायर को इस तरह से इसके ऊपर टर्न किया हुआ है। ओके, ऊपर आपको इंडिकेटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, एंड गैल्वेनोमीटर का जीरो जो होता है वो बीच में होता है, इधर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड का डिफ्लेक्शन शो करता है। सो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने पे ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, एक तरफ से नॉर्थ पोल, एक तरफ से आपके पास यहाँ पर साउथ पोल, और इसको इनक्लोज कर दिया जाता है। ये आपका डिवाइस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक लेआउट है। ओके, अगर एक्चुअल में इसको देखना है तो इसका कटआउट व्यू दूसरा भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे इस तरह का एक अरेंजमेंट, इसके दोनों ओर पोल इस तरफ एक सिलेंड्रिकल पोल इस तरह से लगा देंगे जो आपको नॉर्थ पोल होगा, उधर से एक सिलेंड्रिकल पोल लगा देंगे साउथ पोल होगा, और उसके बीच में ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है जैसा यहाँ पर थ्रेड वाइंड अप किया हुआ है उसी तरह से वायर की वाइंडिंग हो जाएगी, और वायर की वाइंडिंग करने के बाद से इसमें एक सस्पेंशन वायर यूज़ करेंगे, और ये सस्पेंशन वायर बेसिकली फॉस्फर ब्रोंज एलॉय का बना होगा। फॉस्फर ब्रोंज एलॉय का ये बना हुआ वायर दो पर्पस सॉल्व करेगा। एक पर्पस ये सस्पेंशन वायर का काम करेगा, ऊपर से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल जो होते हैं तो ये सस्पेंशन वायर वन ऑफ द टर्मिनल का काम करेगा, एक टर्मिनल यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब जब इस वायर से करंट पास कराएंगे तब क्या होगा उसकी बात करें। हाँ, एक बात यहाँ पर देखें, जो रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसको अलग से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये आपको रेक्टेंगुलर लूप, ओके, बहुत सारे टर्न इसमें होंगे, जितने टर्न आप इसको वाइंड करोगे उसके हिसाब से ये रेक्टेंगुलर लूप का टर्न और दो एंड, एक एंड से करंट अगर आई जाएगा दूसरे एंड से करंट
आई एग्जिट करेगा। ओके, अब बात होती है यहाँ पर, अगर आपने पोल पीसेस, ये जो मैग्नेट के पोल हैं, उसको फ्लैट रखा रहता एकदम इस तरह से, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलते साउथ की तरफ चले जाते, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फील्ड लाइन कुछ ऐसे दिखते। ऐसे में एक प्रॉब्लम क्या होता वो देख लीजिए, जब आपका ये लुक कुछ ऐसा होता तो वैसे केस में एरिया वेक्टर के साथ, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस लूप का परपेंडिकुलर होता, 0 डिग्री एंगल बनता, और तब थीटा अगर 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो जाता, यानी वहाँ पर जा करके ये स्टॉप हो जाता। ओके, और अगर ये लूप इस तरह से होता, मतलब एरिया वेक्टर कुछ ऐसा दिखता है इस लूप के लिए, वैसे केस में 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब होता तो टॉर्क मैक्सिमम होता, यानी टॉर्क का वेरिएशन होता। इससे बचने के लिए एक काम किया गया कि आपको ये जो पोल पीसेस हैं उनको कनकेव या सिलेंड्रिकल बना दिया गया। कनकेव या सिलेंड्रिकल पोल पीसेस बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, जो फील्ड लाइन होंगे कुछ यहाँ से इस तरह से दिखेंगे। अच्छा, बीच में जो ये कोर था, ये सॉफ्ट आयरन कोर था, फील्ड लाइन इससे होकर के पास होंगे। ओके, सो आपको ये नहीं सोचना है कि बीच में फील्ड लाइन कट जाएंगे। हाँ, ऐसे भी सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक फीचर होता है कि मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइन वहीं से पास हो। अगर दूसरे ओरिएंटेशन में आप यहाँ फील्ड लाइन दिखाओगे तो उसका फील्ड लाइन आपको यहाँ से निकलता हुआ नज़र आएगा, या अगर फील्ड लाइन आप यहाँ दिखाते हो तो उसका एक फील्ड लाइन आउट लाइन यहाँ दिखेगा। ओके, अगर किसी भी लाइन को आप ज्वाइन करके देखो, ओके, सभी जो लाइन हैं वो अगर ऐसे फील्ड लाइन ज्वाइन नहीं होंगे, है ना, फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते, मैं फील्ड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आपने इसको ज्वाइन करके दिखाया तो एक पॉइंट पे ये मिलता हुआ नज़र आएगा, वो एक पॉइंट बेसिकली इसका सेंट्रल पार्ट होगा। ओके, तो ये सेंट्रल पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है वो बेसिकली रेडियस जैसा है, इसीलिए फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ पर रेडियल होगा, और रेडियल फील्ड लाइन अगर है तो कोई ना कोई एक कंपोनेंट, जैसे आप फ्रेम को ऐसे रखे हुए हैं तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा है एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ, अगर हम इसको ऐसे घुमा लें तो कोई कंपोनेंट इधर ज़रूर होगा जो 90 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ बना रहा होगा, तो फाइनली आपको कहीं ना कहीं एक टॉर्क 90 वाला मिलेगा, जो टॉर्क मैक्सिमम होगा और वो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। ओके, तो वैसे केस में अगर इसके वर्किंग को देखें आगे, तो आगे आपको यहाँ पर जो टॉर्क की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल टॉर्क टाऊ है ना, इज इक्वल टू आई एन ए बी साइन थीटा, बिकॉज फील्ड आर रेडियल ड्यू टू द कॉनकेव नेचर या सिलेंड्रिकल या सर्कुलर नेचर ऑफ द पोल पीसेस, तो ये साइन यहाँ पर 90 हो जाएगा, और साइन 91 होता है, इसलिए इसको हटा देंगे और ये टॉर्क आपका मैक्सिमम टॉर्क हो गया। ये बेसिकली मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग टॉर्क है, ये जो एक्ट कर रहा है जब आप इससे करंट पास कराओगे, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन आपको दिखाया गया है वो फील्ड लाइन का कुछ डायरेक्शन इस तरह का होगा। फील्ड लाइन जो दिखाया गया है उस फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, यहाँ आप दिखा सकते हो, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर। चलिए, यहाँ तक दिखाने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग, जब ये ट्विस्ट करेगा, ओके, जब इसकी ट्विस्टिंग होगी, ये टर्न करेगा इस तरह से इसके अंदर, ओके, तो वैसे केस में वापस आने के लिए भी एक टॉर्क काम करेगा, क्योंकि ये ट्विस्टिंग के कारण इस वायर में भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। तो फिलहाल इस सस्पेंसर वायर, फॉस्फर ब्रोंच वायर के रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर जो आएगा उसका एक्सप्रेशन टाउ डैश मान लेते हैं इज इक्वल टू के इंटू फाई होगा, जहाँ पर के इसको टॉर्सनल कांस्टेंट या कपल पर यूनिट ट्विस्ट भी बोलेंगे, ओके, और फाई जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का एंगल बता देगा। ओके,
ये जो आपका कॉयल यहाँ पर मान लीजिए अटैच है, ये जब रोटेट करेगा तो इंडिकेटर इसी तरह से अपना पॉइंटर चेंज करेगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम कहीं पर जा करके अगर ये इंडिकेटर रुका हुआ है, तो रुके हुए पोजीशन पे अगर आप बात करें तो यहाँ पर अंडर इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं, अंडर इक्विलिब्रियम टाउ डैश मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू एक्टिंग टॉर्क जो मैक्सिमम था उसकी बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली कितना होगा, ये के इंटू फाई इज इक्वल टू ऊपर से एन ए बी और आई को रख लीजिए, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू एन ए बी बाय के इंटू आई हुआ। इसको आप फाई इज इक्वल टू जी इंटू आई लिख लीजिए। दिस मीन्स फाई प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द क्वाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट पासिंग थ्रू इट। कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी बोलता है कि प्रूव कीजिए इस बात को, 3 मार्क्स का सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पार्ट को आप ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पर कैपिटल जी जो है वो कैपिटल जी आपको एन ए बी बाय के है, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ये एक पैरामीटर है, हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए डिफरेंट होगा। जहाँ पर याद रखेंगे एन नंबर ऑफ टर्न, ए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, ये जो आपका लूप हुआ ये जिस फ्रेम पे आपने यहाँ पर लगा के रखा है, और बी यहाँ नॉर्थ साउथ जो अप्लाई किए हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड, और के ये जो सस्पेंशन वायर था इसका टॉर्सनल कांस्टेंट या कपल पर यूनिट ट्विस्ट था। ओके, अभी एक और चीज़, ये जो ट्विस्टिंग होती है उसमें होता क्या है, ये जनरली ऑक्सीलेट करने लगता है, इस तरह से ऑक्सीलेट करने लगता है। जब ये ऑक्सीलेट करने लगेगा तो रीडिंग एक जगह पे कांस्टेंट बड़ी जल्दी नहीं होगा, वाइब्रेशन मिलेगा, और इस वाइब्रेशन से बचने के लिए किया क्या जाता है, ये जो वायर हमने यहाँ पर रैप किया है, ये वायर एक मेटलिक फ्रेम के ऊपर, एक मेटलिक फ्रेम लगा करके और तब उसके ऊपर कर देते हैं। अब मेटलिक फ्रेम लगाने से क्या होगा, तो मेटलिक फ्रेम लगाने से वो कंडक्टर थिक कंडक्टर है, करंट वहाँ से पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर चेंज हो रहा है, उसके कारण उसमें एक ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। फिलहाल आप ईडी करंट के बारे में नहीं जानते, ईडी करंट आपको अगले चैप्टर्स में पढ़ने हैं। इस ईडी करंट के कारण इसमें एक स्टॉपेज होगा और ये बड़ी जल्दी अपने पोजीशन पे जा करके स्टेबल हो जाएगा। इस तरह के गैल्वेनोमीटर को डेड बिट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को SI से डिनोट करते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी को SV से डिनोट करते हैं। अगर SI की बात करें तो हम यहाँ पर फाई डिवाइडेड बाय आई लिख सकते हैं, और इसके डेफिनेशन के अनुसार डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज फाई बाय भी लिख सकते हैं। आप इसको चाहें तो आगे भी कैरी ऑन कर सकते हैं, आप यहाँ से फाई का वैल्यू ले लीजिए, तो SI इज इक्वल टू, देखिए फाई आपके पास कितना था, एन ए बी बाय के इंटू आई, तो आपके पास ये हो गया एन ए बी बाय के और इंटू आई, एक आई यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइड है, यहाँ से कट जाएगा, यानी SI इज इक्वल टू एन ए बी बाय के आएगा, जो कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का एक्सप्रेशन सेम होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या देखें, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहाँ पर फिर से फाई का वैल्यू पुट करें, एन आई या एन ए बी आई बाय के, और ये भी लिख सकते हैं। एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एन ए बी आई तो ठीक है डिवाइड बाय के, और वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इंटू आर होता है, तो यहाँ पर आई इंटू आर, स्पेशल सिंबल के लिए हम आर सफिक्स जी लिखते हैं, जैसे पता चल जाए कि एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर में जो आपने ये क्वाइल यूज किया है उस क्वाइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को आपने आर जी कर लिया। अब यहाँ से देखिए आई तो कैंसिल हो गया, ओके, ये जो बचा आपके पास जी बाय आर जी बचा, या आप इसको
एस आई बाय आर जी भी बोल सकते हैं, ये एस वी के फॉर्मूले की बात करें। ओके, तो एस वी के पास का आपके पास बाय के। ओके, कॉमन टर्म आर जी को छोड़ करके दोनों ही कॉमन हैं। ओके, तो अगर इनक्रीज करना है वोल्टेज एंड करंट सेंसिटिविटी, तो पहला पॉइंट आप देखिए एन दोनों में है, एन शुड बी इनक्रीज। ओके ओके, अगर करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो दूसरा आपको एरिया शुड बी इंक्रीज्ड। तीसरा आप मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज कर लें। और चौथा देखिए आपका के जो है टॉर्शनल कांस्टेंट, ये बेसिकली डिनोमिनेटर में है, इसलिए शुड बी डिक्रीज्ड। देखिए ये जो के टॉर्शनल कांस्टेंट है, इसके लिए आपको डिफरेंट वायर लेना पड़ेगा। बेसिकली फॉस्फर ब्रोंज का वायर काफ़ी बढ़िया वायर है, और अभी तक रिप्लेसमेंट इसका हम लोग नहीं निकालते हैं, इसलिए इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अब रह गई हमारे पास तीन पॉइंट, ए दो तीन, या तो एन चेंज कर लें, या ए चेंज कर लें, या बी चेंज कर लें। एन इंक्रीज करने से भी एस आई और एस भी दोनों इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज करने से भी दोनों इंक्रीज होगा, के इंक्रीज करने से भी दोनों इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट में जैसे ही आप एन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न अगर वायर का इंक्रीज होगा तो वायर का लेंथ भी इंक्रीज होगा, और वायर का लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस है कि आर जी भी इंक्रीज करेगा। अगर एन आपका इंक्रीज कर रहा है तो आर जी भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आप जो एन बाय आर जी का रेशियो देख रहे थे, अब ये देखना पड़ेगा कि किस रेशियो में ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, या तो एस वी इंक्रीज कर जाए या एस वी डिक्रीज कर जाए। तो इस पॉसिबिलिटी को दोनों के लिए कॉमन नहीं मानते हैं। ओके, अब कॉमन दोनों के लिए क्या हो गया, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना। अगर आपको एरिया ऑफ लूप चेंज करना है तो ये जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लिया था आपने, इसको पूरी तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। और एक बार ये सॉफ्ट आयरन कोर रिप्लेस हो रहा है तो आपको पूरा ही सेटअप चेंज करना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है तो पोल पीसेस चेंज करना पड़ेगा। वंस अगेन आपके पास ये डिफ़िकल्टी आएगी। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, ओके, तो सिंपलेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग, ये तो सिंपलेस्ट है ना, वे ऑफ इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न आप इंक्रीज कर दीजिए, आपका करंट सेंसिटिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए इन्हीं बातों को कुछ क्वेश्चंस के साथ भी देख लिया जाए। को नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 24, एरिया भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। ओके, और आपसे बोला है रेजिस्टेंस इसका मतलब आर जी 14 ओम है। करंट सेंसिटिविटी जो एस आई इज इक्वल टू एन ए बी बाय के है, इसको इंक्रीज कर देना है बाय 25%। तो एस आई डैश इज इक्वल टू 125 बाय 100 एस आई हो जाएगा, जो कि आप 1.25 एस आई भी लिख सकते हैं। अभी इसके लिए सिंपलेस्ट वे आपको बताने के लिए बोला है, तो अभी मैं बोल रहा था कि सिंपलेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो अगर आप एस आई डैश को लिखना चाहें तो एन ए बी बाई के, और सिंपलेस्ट अप्रोच में एन डैश कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना आसान है, और इधर तो 1.25 इंटू एन ए बी बाई के, ए बी बाई के, ए बी बाई के कैंसिल कर लीजिए। ओके, एन डैश इज इक्वल टू 1.25 इंटू 24 इज इक्वल टू 30, यानी 30 नंबर ऑफ टर्न्स अगर कर देंगे तो आपका करंट सेंसिटिविटी 25% से इंक्रीज कर जाएगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन वन में दिख रहा है। अब बोला कि ऐसा करने में जब एनडेस आपका कितना 30 हो गया, तो ऑटोमेटिकली लेंथ बढ़ने से आर डैश 21 ओम हो गया, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब बोल रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। चलिए
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको अभी लिख के बताया था कि SI बाय RG होगा। ओके, तो पहले केस में ये SI बाय 14 हो गया। अगर हम SB डैश की बात करें तो आपको SI बाय RG डैश दोनों करना होगा। ऊपर तो आपके पास है 1.25 SI और नीचे है 21। अब अगर हम SB डैश को SV से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद से आएगा 1.25 SI बाय 21 इंटू 14 बाय 21 14 बाय SI। अभी SI को कैंसिल कर लीजिए और कैंसिल करने के बाद से ये आपको 5/6 आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। इसका मतलब SV डैश लेस देन SV होगा। ओके, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऐसा करने से डिक्रीज कर गया। यही बात मैं बता रहा था थ्योरी में भी कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस स्क्रीन में बोला कि करंट सेंसिटिविटी SI को 50% से इंक्रीज कर दिया गया। 50% से इंक्रीज करेंगे तो 150/100 SI हो जाएगा। ऐसा करने से जो RDS है वो 2 × RG हो गया। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में परसेंटेज चेंज या कौन सा फ्रैक्शनल चेंज है। तो अब आप अगर यहाँ पर SV लिखते हैं तो ये SI बाय RG होता है। SV डैश लिखेंगे तो SI बाय RG दोनों का डैश। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, एक तो इसको 1.50 SI भी लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से 1.5 SI डिवाइडेड बाय RG को आप 2 RG भी लिखेंगे RG डैश को, तो ये हो जाएगा 0.75 और SI बाय RG को SV लिखेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन 0.75 से है, 1 से कम नंबर से मल्टीप्लाई अगर कोई होगा तो वैल्यू डिक्रीज करता है। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी विल डिक्रीज। और अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेते हैं, और आपको परसेंटेज डिक्रीज का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो यहाँ पर SV माइनस 0.75 SV बाय SV इनटू 100, इट मींस ये 0.25 SV बाय SV इनटू 100 इज इक्वल टू 25% ये आंसर आ गया।